के बाद करीब 20 लाख छात्रों का इंतजार अब खत्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र छात्रा है तो आपके लिए बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला फैसला शिक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया, जिसको सभी छात्र छात्राओं को जानना बेहद ही ज्यादा आवश्यक है, नहीं तो उनको इस बार बोर्ड परीक्षा 2025 में काफी सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें, अरे सारे ऐसे बड़े नियम सरकार के द्वारा लागू किए हैं, जिनको आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके 10 नंबर पर सब्जेक्ट में काट लिए जाएंगे। तो ऐसा कौन सा बड़ा फैसला छात्रों के लिए सरकार की तरफ से निकल के सामने आया है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट में आपके भविष्य से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी अपडेट आज के इस वीडियो के माध्यम से विद प्रूफ के साथ मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप भारत के किस बोर्ड व राज्य से बिलोंग करने वाले छात्र छात्राएं हैं, कमेंट बॉक्स में अपने बोर्ड व राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे आपके बोर्ड से जुड़ी हुई जानकारी जब भी कोई हमारे पास आती है तो सबसे पहले हम आपको अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हमारी छोटी सी रिपोर्ट में सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में अभी हुई हाई लेवल मीटिंग के माध्यम से बहुत ही बड़े फैसले का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है, जिसको सुनकर छात्रों के पसीने छूट पड़े हैं। आप सभी को बता दें, चाहे आप 10वीं के छात्र छात्रा हो या फिर 12वीं के किसी भी बोर्ड से संबंधित रहने वाले परीक्षार्थी ही क्यों ना हो, सबके लिए बहुत ही बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। आप सभी को बता दें कि पेपर कैसा बनने वाला है, तो पेपर के लिए सरकार ने बड़ी गाइडलाइंस जारी की है। इस बार बोर्ड परीक्षा का पेपर बहुत ही ज्यादा सरल व सटीक बनाने जाने के आसार सरकार की तरफ से दिखाई दे रहे हैं। आप सभी को बता दें कि इस बार बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन फरवरी के दूसरे सप्ताह में किया जाना है, जिसको लेकर छात्र छात्राओं के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और जो छात्र बोर्ड परीक्षाओं को लेकर डरे हुए हैं, उनके लिए सरकार ने बड़ी गाइडलाइंस जारी की है कि इस बार किसी भी परीक्षार्थी को डरने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि सरकार ने इस बार सभी छात्र छात्राओं को बोनस अंक देने की बड़ी सुविधा प्रदान की है। अगर आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी में अगर आपको नहीं आता है तो आप कैसे भी बना बना कर भी अगर क्वेश्चन को आप पूरे सॉल्व करके आते हैं तो भी आपको एक्स्ट्रा बोनस अंक मिल जाते हैं। बस आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए और आपको स्कूल में 70% उपस्थिति तो दर्ज ही करानी है, क्योंकि 70% उपस्थिति के आधार पे ही आपके प्रैक्टिकल में भी आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएंगे। और आप कम तैयारी करके भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आसानी से स्कोर करके एक टॉपर छात्र बन पाएंगे। दोस्तों, अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, आपको इस हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करके भी आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और एक टॉपर छात्र बन सकते हैं। बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिखने की प्रैक्टिस आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आप अच्छे से अच्छे अंक बोर्ड परीक्षा में स्कोर कर पाए। दोस्तों, इसी प्रकार से सभी बोर्ड से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले। धन्यवाद।